सभी दोस्तों को जय माता दी। आज हम बात करेंगे कटरा रेलवे स्टेशन की। मेरे पीछे कटरा रेलवे स्टेशन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ की सराउंडिंग काफ़ी अच्छी है। तो आज हम कटरा रेलवे स्टेशन को पूरी तरह दिखाएंगे कि कैसा यहाँ का रेलवे स्टेशन है, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। ये एकदम नया बना हुआ है, मतलब कुछ ही साल हुए इसको, और यहाँ पर ये सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है श्री माता वैष्णो देवी पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे सभी टूरिस्ट आते रहते हैं। आप मेरे पीछे जो पहाड़ी देख पा रहे हैं वही माता का भवन है, तो वो श्री माता वैष्णो देवी का भवन आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। तो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा है। हम बात करेंगे माता वैष्णो देवी कटरा के रेलवे स्टेशन की कि कैसा यहाँ का रेलवे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएँ हैं, क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। ट्रेनें हैं वो डाउन साइड में आती है, और प्लेटफॉर्म मतलब जो वेटिंग हॉल और टिकट काउंटर है वो अप साइड में है। तो एकदम पूरा डिफरेंट है यहाँ का प्लेटफॉर्म, जहाँ पे अपन जाते हैं तो पूरा डिफरेंट दिखता भी है। व्यू पूरा ऊपर से हम पूरा व्यू देख पाते हैं कि कैसे ट्रेनें आ रही है, मतलब अभी अच्छा इंटरेस्टिंग दिखता है स्टेशन। तो आइए चलते हैं, देखते हैं रेलवे स्टेशन को। अभी मैं आ गया हूँ रेलवे स्टेशन के अंदर, और अभी यहीं से मैंने एंट्री मारी है यहाँ पर, और यहाँ से राइट साइड होके हम अंदर की तरफ प्लेटफॉर्म के अंदर की तरफ जाते हैं। तो सीधा ये डाउन स्टेयर्स जा रही है जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 की ओर ले जाती है। यहाँ पे ओनली 3 प्लेटफॉर्म्स है। अब हम जा रहे हैं रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर। तो यहाँ का कुछ नज़ारा इस टाइप से है कि हम ऊपर से ही पूरा देख लेते हैं इसको, प्लेटफॉर्म को, और ये बहुत डाउन में मतलब बहुत नीचे की तरफ इसका 1, 2, 3 नंबर प्लेटफॉर्म है, और ये ऊपर की तरफ पूरा स्टेशन है, मतलब वेटिंग हॉल और अमानती सामान, क्लॉक रूम या यात्रा टिकट पर्ची, ये सब आपको ऊपर से ही मिलेगा। तो यहाँ का कुछ इस टाइप से कटरा का रेलवे स्टेशन बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया लुकिंग आती है यहाँ की। अभी तो मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, लेकिन अगर इसको क्लियर देखेंगे तो दिन में आना पड़ेगा हमें। अभी हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर। ये फुटओवर ब्रिज है प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 के लिए। काफ़ी साफ स्वच्छ और क्लीन यहाँ का प्लेटफॉर्म है। और ये नया ट्रैक बन रहा है, तो इसका भी कुछ अपडेट आएगा तो मैं अवश्य आपको ज़रूर आपको बताऊंगा इसका जो भी अपडेट आएगा उसका। ये कौन सा प्लेटफॉर्म बनेगा ये अभी तैयार हो रहा है, उसके बाद ही बता पाएंगे कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म है। अभी हम उतर गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर। तो कितना क्लीन और शानदार यहाँ का प्लेटफॉर्म दिख रहा है। तो राइट साइड में ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और यहाँ पे जो है वो पटरी अभी नहीं डाल ही रहे हैं, तो अभी कोई इसका फिक्स नहीं है। यहाँ अभी हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो यहाँ पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म के उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस खड़ी है, जो कि न्यू दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा की तरफ जाती है, के लिए चलती है हमेशा। और आज ये श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली की तरफ जाएगी। तो बहुत ही शानदार, और कितना चमचमा रहा है यहाँ का नया रेलवे स्टेशन। ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ऊपर की ओर, यहीं से हमने एंटर किया था, तो बहुत ही शानदार है यहाँ से। लगभग ये 30 फीट तो ऊपर होगा, जहाँ से हम घूम के हम ऐसे एंट्री लेते हैं, और धीरे धीरे हम इस फुट ओवर ब्रिज से 1 नंबर प्लेटफॉर्म से यहाँ पे नीचे आते हैं। तो बहुत ही अच्छा, मतलब एक एंट्री पॉइंट बहुत ही शानदार दिया है यहाँ पे कि घूम के आना है, फिर हम इसमें मतलब इस तरह से जाएंगे। अब हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर जाने के लिए रास्ते के यहाँ, और मेरे पीछे जो आपको ट्रेनें नज़र आ रही है ये यार्ड है यहाँ का, जहाँ पर सभी ट्रेनें एक्स्ट्रा ट्रेनें यार जो होल्ड कर रही रहती है, ट्रेनें यहाँ खड़ी रहती है यार्ड में। तो अब हम चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के लिए, आइए चलते हैं। अभी हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के लिए। तो अब यहाँ से हम बताएंगे कि ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म है, ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म है। काफ़ी सिंपल और शांत यहाँ का प्लेटफॉर्म, और क्लीन और बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अभी हम 2 और 3 प्लेटफॉर्म पर ही चल रहे हैं। तो अभी हमने एंट्री करी थी, अगर हम कटरा रेलवे स्टेशन से अंदर आते हैं तो राइट साइड से हमने एंट्री करी थी, अब ये लेफ्ट साइड में। जब हम 3रे नंबर पे हैं तो लेफ्ट साइड में ये फुट ओवर ब्रिज है, जो कि सीधा स्लोप में और बहुत ही शानदार बना हुआ है। ये फुट ओवर ब्रिज जो है रैंप वाला बना हुआ है, तो इजीली सभी यात्री यहाँ पे रैंप से ही ऊपर जाना पसंद करते हैं। यहाँ से हम आपको फिर ऊपर जो वहाँ पे पहाड़ी दिख रही है वो
माता वैष्णो देवी की भवन है और ये कटरा रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह से है। ये यहाँ से अगर हम इस रैम से चलते हुए जाएंगे इस फुट ओवर ब्रिज से होते हुए तो ये बीच में एक नंबर प्लेटफॉर्म आएगा और वो जो पूरी फुट ओवर ब्रिज की आपको सफ़ेद लाइन दिख रही है उससे ऐसे होते हुए सीधे सीधे हम बिल्डिंग में वहाँ एंटर करते हैं जहाँ से हम एग्जिट और इंटर दोनों करते हैं। वो मेन बिल्डिंग है जहाँ पर क्लॉक रूम, यात्रा पर्ची भी वहीं मिलती है, जम्मू कश्मीर टूरिस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस भी है जहाँ से हम वहाँ जे एन के टूरिस्ट के होटल्स और टैक्सी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा कटरा में श्राइन बोर्ड के भी बहुत ही अच्छे और काफ़ी कम प्राइस में भवन अवेलेबल है, वहाँ पे भी हम रुक सकते हैं। जैसे कि त्रिकुटा भवन हो गया, निहारिका निवास हो गया, यहाँ पे भी हम स्टे कर सकते हैं मात्र 100 रुपये में। यहाँ पर डॉर्मेटरी सिस्टम है। अब हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म 1, 2, 3 पूरा कंप्लीट करके हम वापस मेन एंट्री गेट के आ गए हैं। तो ये वाला जो रास्ता है यहीं से आना जाना मतलब दोनों साइड से है और ये नए एस्केलेटर भी अब लग रहे हैं और ये नया प्लेटफॉर्म शायद बन रहा है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो ये नई एंट्री गेट हो जाएगी। ये प्लेटफॉर्म 1 आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है तो काफ़ी अच्छा क्लीन और बहुत ही शानदार यहाँ का प्लेटफॉर्म है श्री माता वैष्णो देवी कटरा का। इस तरफ जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है ये 1 प्लेटफॉर्म नहीं है, 1 प्लेटफॉर्म उस तरफ है, अभी ये कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। यहाँ पे ट्रैक अभी नया बिछा है तो अब इसको ये एस्केलेटर भी यहाँ से नई एंट्री के लिए बन रहा है, ये नया एस्केलेटर बन रहा है यहाँ पे एंट्री के लिए। तो ये क्या फ्यूचर में इसके अपडेट आएंगे तो मैं ज़रूर इसमें अपडेट कर दूँगा। तो अभी प्लेटफॉर्म जो ट्रेन जो खड़ी हुई दिख रही है वहाँ पर 1 है और ये इस तरफ जो दिख रहा है ये प्लेटफॉर्म अभी कुछ भी नहीं है और ये यहाँ पे एंट्री गेट और एग्जिट गेट यहाँ से मेन गेट यही है। अभी हम श्री माता वैष्णो देवी कटरा का रेलवे स्टेशन का पूरा टूर कर चुके हैं, स्टेशन घूम चुके हैं, 1, 2, और 3 प्लेटफॉर्म नंबर बता दिए हैं। अभी जो वो प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेन खड़ी है उस तरफ वाला स्टेशन 1 प्लेटफॉर्म है, इस तरफ अभी बना नहीं है तो इसका कोई प्लेटफॉर्म शो नहीं किया गया है। और ये जो आप एस्केलेटर जो देख रहे हैं अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन जल्द ही शुरू हो जाएगा ऐसा लगता है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो यहाँ का एंट्री और एग्जिट गेट है जहाँ से हम बाहर आना और जाना दोनों कर सकते हैं और वहीं पे यात्रा पर्ची भी निकल जाएगी आपको यात्रा के लिए, श्री माता वैष्णो देवी ऊपर चढ़ाई करने के लिए पर्ची यहीं से मिल जाएगी। क्लॉक रूम भी वहीं अवेलेबल है और टिकट घर भी वहीं है। और हम उससे जब बाहर निकलते हैं तो लेफ्ट साइड में टैक्सी स्टैंड है, ऑटो स्टैंड, वहाँ से अगर ऑटो करते हैं बस स्टैंड के लिए तो 160 रुपये अभी चार्जेस लगा रहे हैं वो, तो अगर आप और उसी को अगर रेलवे स्टेशन से बाहर जाए तो 110 रुपये चार्जेस लगेगा आपको बस स्टैंड के लिए। तो थोड़ा सा बाहर चलने पे आपके 50 रुपये बच सकते हैं अगर आप जाएं तो। और बहुत बड़ा अच्छा सा ग्राउंड है जिससे आप आराम से यहाँ के फ़ोटो वोटो खींच सकते हैं। यहाँ का स्टेशन भी अब देख पा रहे हैं काफ़ी नीचे की तरफ है यहाँ का प्लेटफॉर्म। अभी जो पीछे आप मेरे मेन स्टेशन के यहाँ मेन स्टेशन के अंदर आ गया हूँ और यहाँ से 2 जा रहे हैं तो मैं पूरा पीछे 1, 2, 3 प्लेटफॉर्म से घूम के और पूरा इस राउंड से यहाँ से ये राउंड लगा के हम ऊपर की ओर प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं वापस प्लेटफॉर्म के बाहर। आप मेरे पीछे जो एस्केलेटर देख रहे हैं ये अभी शुरू नहीं हुआ है, ये अब जल्द ही शुरू होगा ऐसा मेरे को संभावना लग रही है। तो जब भी शुरू होगा तो आप अगर आएंगे तो इसकी सुविधाएँ ले पाएंगे। यहीं पर पीछे माता जी के वैष्णो माँ के दर्शन का पिंडी दर्शन का फ्लैक्स भी लगा रखा है जिसमें दर्शा रखा है कि 1 पे पिंडी महाकाली है, 2 पे माँ लक्ष्मी माँ वैष्णो है और 3 पे माँ सरस्वती, तीनों पिंडी रूप में यहाँ पर विराजमान है। ये यहाँ पे स्टेशन पे भी दर्शन के रूप में आपको बताया गया है। स्टेशन के फर्स्ट फ्लोर पे यहीं पे शॉपिंग मॉल और IRCTC का फूड लॉन्च भी है और ऊपर IRCTC का गेस्ट हाउस भी बना हुआ है। तो यहाँ पे अपन शॉपिंग भी कर सकते हैं, अखरोट, ड्राई फ्रूट्स और यहाँ की कश्मीरी प्रोडक्ट्स सब अवेलेबल है यहाँ पर। अभी हम आ गए हैं IRCTC के फूड जोन में। ये फूड रेस्टोरेंट है यहाँ का जो रेलवे स्टेशन के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है। वो रेलवे स्टेशन को 3 में बांटा गया है, माँ सरस्वती ब्लॉक यहाँ का फूड स्टेशन और 201 से 210 के लोकल्स के लिए गया है, ये IRCTC गेस्ट हाउस फूड स्टेशन एंड शॉपिंग लॉन्च और ये महालक्ष्मी ब्लॉक इसमें बांटा गया है। इसमें यहाँ पर ये शॉपिंग मॉल है यहाँ का, यहाँ पर आपको क्लोथ शॉल है, चद्दर और जनरल आइटम सभी मिलते हैं। तो ये 3 में बटा हुआ है यहाँ पर, खिलौने भी यहाँ पर मिल जाएंगे आपको ऊपर की तरफ।
और सभी तरह के दिए, सभी जनरल आइटम्स, भगवान की मूर्तियाँ। ये जो फूड स्टेशन का मेन है, यहाँ से रिसेप्शन है आईआरसीटीसी लॉन्च का, और ये महाकाली ब्लॉक इसको नाम दिया है। तो महाकाली, महालक्ष्मी और महा सरस्वती तीनों लॉन्च है, तीनों ब्लॉक है यहाँ पर। और यहाँ का शॉपिंग मॉल है। अब हम माता वैष्णो देवी की कहानी के अद्भुत अनोखे अंदाज में देखने का भी आपको मौका मिलता है। पूरा प्लेटफॉर्म आपको घुमा दिया है। अब हम आ गए हैं बाहर की ओर। इस तरफ जो है कार पार्किंग है राइट साइड में, और मेरे लेफ्ट साइड में उस तरफ टैक्सी स्टैंड है, जहाँ से हम बाहर होके बस स्टैंड की तरफ जाते हैं। बस स्टैंड की तरफ उधर उस तरफ जाते हैं। अगर हम पैदल ही इस तरफ से सीधा निकल जाएं तो बाहर ऑटो मिल जाएगा वहाँ, जहाँ आपको 110 रुपये में ही डायरेक्टली बस स्टैंड के लिए ऑटो मिल जाएगा, और यहाँ के रेट 160 रुपये अगर अंदर से करते हैं तो। और अंदर ही यहाँ पे जैसे ही इंटर होते हैं, यहीं पर वेटिंग हॉल भी है। ऊपर की तरफ आप जो देख रहे हैं रेस्टोरेंट भी है IRCTC का, और ऊपर ही मॉल है, और IRCTC का गेस्ट हाउस बना हुआ है। यहाँ पर तीन भागों में उस भवन को बांटा गया है। नीचे यात्रा पर्ची भी आपको यहीं मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर टूरिस्ट का भी ऑफिस है। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्लॉक रूम की सुविधा भी मिल जाएगी। तो इसी के साथ हम हमारे ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ये कटरा, श्री माता वैष्णो देवी कटरा का रेलवे स्टेशन है, और हम यहाँ से एंट्री करके इसी फुटपाथ रैंप से इस तरफ से एंट्री होके हम दो नंबर प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे नीचे फर्स्ट प्लेटफॉर्म है। ये मैं सुबह इसलिए आया हूँ कि आपको अच्छे से इस प्लेटफॉर्म को देख सकें, इसलिए मैं मॉर्निंग में एक बार और थोड़ा सा व्यू आपको दिखा दूँ। यहाँ मेरे अभी ट्रेन है, तो अब मुझे थोड़ा जल्दी चलना होगा। धन्यवाद।